हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, एप्पल आइसक्रीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। एप्पल आइसक्रीम हो तो एप्पल तो हमें चाहिए ही, इसलिए मैंने 3 एप्पल लिए हैं। इसको हम अच्छे से धोकर और इसको छील कर और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और लेंगे हम चीनी, चीनी ली है मैंने करीब 200 ग्राम, एक बाउल चीनी ली है मैंने। और लेंगे हम मलाई, मलाई ये मेरी घर की फ्रेश मलाई है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। मलाई ली है मैंने 200 ग्राम। जो एप्पल है उनको मैंने छील के और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैंने एप्पल पूरा क्रश कर दिया है, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम इसी बाउल में जो हमारी मलाई है उसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्सी में चला लेंगे। और इसी में हम चीनी भी डालकर इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब मैंने मलाई और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको उसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो जो उसका फ्लफीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने मिक्सी में इसको अच्छे से चला लिया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहे तो टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि आपको चीनी जितनी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, बाकी नॉर्मली इतनी चीनी आपके लिए सफिशियंट है। अब मैंने एक फॉइल काट लिया है, उसको हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से हल्का सा टाइटली लेकर पूरा साइड से इसको पूरा कवर अप कर देंगे और इसको हम फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी आइसक्रीम है उसमें आपकी बर्फ़ नहीं आएगी, आइस नहीं आएगी और काफ़ी कूल भी हो जाएगी आपकी आइसक्रीम। मैंने पूरा इसको कवर अप कर दिया है। मैंने अब इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है, इसको मैंने करीब 4.5 घंटे रखा। ये मेरा एलुमिनियम का कंटेनर है और उसको मैंने फॉइल से पूरा कवर अप कर दिया था। अब मैं इसको हल्के हाथ से निकाल लूंगी। वाओ, देखिए पूरी अच्छे से जमकर तैयार है। इसको अब हम कट कर लेंगे। ये मेरी बनकर रेडी है, मैंने इसको सर्व कर लिया है। आप इसे एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये। आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।